नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक अच्छी न्यूज़ आई है आप लोगों की, स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हैं। परमानेंट ये वैकेंसीज रहने वाली हैं, ऑफिशियल साइट पे आप लोगों को मिल जाएगी, रोहतक पीजे की जो साइट है, ठीक है, वहाँ पे जॉब के सेक्शन में जाके आप ये नोटिस देख सकते हो, जिसके अंदर 13 तारीख का ये नोटिस है। और यहाँ पे जो नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो, इसके अलावा कुछ वो फॉर्म वगैरह दे रखे हैं जो सोशियो इकोनॉमिक के, वो भी डाउनलोड करके अपने जो तैयार करवा सकते हो इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। एक्स्ट्रा नंबर सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट को मिलेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसके अंदर नोटिस की। जो फर्स्ट पेज है इस नोटिस के अंदर मेंशन है कि आप लोगों की जो फॉर्म है वो 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और 8/11/2021 लास्ट डेट है, ठीक है। इससे पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट रेडी करा के फॉर्म वगैरह अप्लाई कर दो, ठीक है। फीस वगैरह 10 तारीख तक आप सबमिट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और मेन चीज़, एक डाउट आ रहा होगा ये वैकेंसी कहाँ की है, ठीक है, तो अभी आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। ये वैकेंसी वही है रोहतक पीजे वाली, अब की बार ये DMER कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। जैसे कुछ दिनों से जो BJP गवर्नमेंट है, इन्होंने इसको पावर दे दी है DMER को, ठीक है, तो अब जो भी वैकेंसीज आएंगे वो DMER के अंडर में आएंगी। और इसके अंदर पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को पहले वाले वीडियो के अंदर, कॉमन कैडर के अंदर ये वैकेंसीज रहेंगी, यानी कि जितने भी अब मेडिकल कॉलेज होंगे वहाँ पे आपकी ड्यूटी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी रोहतक में ज्वाइन करा दिया तो रोहतक में रहेगी, नहीं, आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, ठीक है, मेवात में भी हो सकती है, करनाल में भी हो सकती है, ऐसे ट्रांसफरिंग होती रहेगी। और जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें ये ड्यूटी लगने वाली है। 5 मेडिकल कॉलेज है अभी प्रेजेंट के अंदर, ठीक है, इसके बाद 1-2 और स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे भी पोस्टिंग जा सकती है। तो अभी ये 5 मेडिकल कॉलेजों की वैकेंसीज है, हरियाणा के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की ये वैकेंसीज हैं। और कितनी क्या कुछ वैकेंसी है वो भी अभी देखते हैं हम नोटिस के अंदर ही। यहाँ पे इसके अंदर दे रखा है फॉर्म वगैरह, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और वैकेंसीज सिर्फ स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं, और जिसके अंदर टोटल 275 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली हैं। 90 सीट जनरल की रहेंगी, इसके बाद जो EWS वगैरह है वो अपने अपने इसके अंदर देख लेना अच्छे से, ठीक है, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट है वो अपनी कैटेगरी वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह है, उनके डॉक्यूमेंट रेडी करवा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा इसके अंदर है। बाकी जो कंप्लीट डिटेल है वो आप लोगों को मैं कल देने वाला हूँ, अभी ये बता देता हूँ कि जो नर्सिंग है इसके अंदर 45 नंबर की आने वाली है, हरियाणा GK वही 23 नंबर के आसपास आने वाली है, और 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है जो मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था। इसके अलावा 12 क्वेश्चन रहेंगे अदर सब्जेक्ट के, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के, ठीक है, GK वगैरह। तो अपनी प्रिपरेशन है इन तीन सब्जेक्ट पे जरूर फोकस कीजिएगा, जिससे अपनी जो कट ऑफ है वो उसकी अभी बता रहा हूँ बहुत हाई रहने वाली है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो इसके अंदर सब चीज़ें मैं कल आप लोगों को अच्छे से रीड आउट करके और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। और जो भी है आप लोगों को कल सभी डिटेल मिल जाएंगे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो कल का वेट जरूर करें, ठीक है। तो अभी ये वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, ठीक है, और नोटिस आप लोगों को इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट नाम से है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।